नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे मारुति स्विफ्ट के मिड वेरिएंट VXI का और साथ में रहेगी टाटा पंच का प्योर रिथम। और जानकारी के लिए बता दूं, टाटा पंच के बेस वेरिएंट प्योर और मारुति स्विफ्ट के बेस वेरिएंट LXI का कंपैरिजन पहले ही कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है और वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। जानकारी के लिए आपको एक और चीज बता दूं, टाटा पंच का जो बेस वेरिएंट है और ये जो सेकंड बेस है प्योर रिथम, इन दोनों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको प्योर रिथम में एक 3 इंच की छोटी सी टच स्क्रीन मिल जाती है। बाकी हम वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या चीजें हैं और कितना प्राइस डिफरेंस है। और मारुति स्विफ्ट में तो आपको 3-4 वेरिएंट्स ही मिलते हैं, LXI, VXI, ZXI और ZXI+। लेकिन भाई टाटा पंच में वेरिएंट्स इतने ज्यादा दिए गए हैं, कस्टमर को कंफ्यूज कर देते हैं। अब हमने VXI का कंपैरिजन प्योर रिथम के साथ किया है। प्योर रिथम ऑन रोड लगभग आपको 7,40,000 से 7,50,000 रुपए तक मिल जाएगा इंडिया की किसी भी सिटी में। बात की जाए अगर VXI वेरिएंट की, तो VXI आपको इंडिया की किसी भी सिटी में 7,80,000 से 8,00,000 रुपए तक। अगर आप VXI को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदेंगे तो लगभग 8,70,000 से 8,80,000 रुपए तक पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन पावर की। सबसे पहले बात की जाए टाटा पंच के इंजन पावर की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर यानी कि 1200 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 यानी कि 86 BHP जनरेट करता है 6000 RPM पर, 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है 3150 RPM पर। प्योर रिथम और प्योर यानी के बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा 5 स्पीड के साथ, ऑटोमेटिक नहीं है। इससे अपर वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है एडवेंचर वाले में। लेकिन अब बात की जाए मारुति स्विफ्ट की, मारुति स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर यानी कि 1200 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, 88 BHP जनरेट करता है 6000 RPM पर, 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पर। यहाँ पे आपको VXI वेरिएंट में यानी कि बेस से मिड वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के गियरबॉक्स मिल जाते हैं 5 स्पीड में ही। अब इंजन पावर वाइज अगर देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन पंची टॉर्क आपको पंच में ही मिलने वाला है और 4 सिलेंडर आपको मारुति स्विफ्ट में मिलेंगे, तो हल्की सी परफॉर्मेंस मारुति स्विफ्ट की बेहतर होगी क्योंकि यहाँ पे वेट भी कम है। टाटा में बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है तो वहाँ पे वेट भी ज्यादा है और 1 सिलेंडर भी कम है। और भाई इंजन और ट्रांसमिशन के साथ साथ मारुति स्विफ्ट के पास एक ये एडवांटेज और आ गया है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है VXI वेरिएंट में, लेकिन प्योर रिथम में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। अगर बात की जाए टाटा पंच के डायमेंशंस की, तो इस गाड़ी की लेंथ है 3827 mm, विड्थ 1742 mm, हाइट 1615 mm, व्हील बेस 2445 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm और ब्यूट स्पेस है यहाँ पे 366 लीटर। लेकिन इधर आपकी मारुति स्विफ्ट की लेंथ है 3845 mm, विड्थ 1735 mm, हाइट 1530 mm, व्हील बेस 2450 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर और यहाँ पे बूट स्पेस है 270 लीटर। तो भाई बूट स्पेस आपको टाटा पंच में मारुति से बेहतर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। पंच में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे, उसके साथ साथ ABS, रिमोट सेंटर लॉकिंग, डुअल एयरबैग, रियर सीट बेल्ट, एडजस्टेबल सीट्स, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, पार्किंग सेंसर्स। लेकिन अब बात की जाए आपकी मारुति स्विफ्ट की, तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक, ABS, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर, एडजस्टेबल सीट्स, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, पावर डोर लॉक, डे नाइट RVM, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। लेकिन अगर आप स्विफ्ट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो यहाँ पे आपका हिल असिस्ट कंट्रोल और एंटी थिफ्ट अलार्म भी ऐड हो जाएगा। तो भाई अब आप खुद ही देख सकते हैं प्योर रिथम से मारुति स्विफ्ट का VXI और VXI ऑटोमेटिक दोनों ही बेहतर है फीचर्स के मामले में। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे टाटा पंच ही बेहतर है बिल्ड क्वालिटी वाइज, क्योंकि मारुति की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की। अगर आप टाटा पंच खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग मिलेगा, 4 पावर विंडोज मिलेंगी, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, फ्रंट कप होल्डर, 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट, 2 ड्राइव मोड्स, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, डिजिटल प्लस एनालॉग MID, फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री, 4 स्पीकर्स, 3 इंच टच स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स USB पोर्ट, FM मिल जाता है। बात की जाए स्टेयरिंग व्हील की, तो भाई स्टेयरिंग व्हील हो या फिर गियर नॉब, कहीं पे भी आपको लेदर फिनिश नहीं मिलेगी टाटा पंच के प्योर रिथम में। उसके साथ साथ इस गाड़ी में एक अच्छी चीज आपको मिलेगी, इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलते हैं, स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। बात कर लेते हैं स्विफ्ट के इंटीरियर वाले फीचर्स की, तो यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल पावर स्टेयरिंग, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एसेसरी पावर सॉकेट, रिवर पार्किंग सेंसर, रियर सीट बेंच फोल्डिंग, गियर इंडिकेटर, हेडलाइट रिमाइंडर, फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री, डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर, 4 पावर विंडोज, पावर बूट, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट्स, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट,
ड्राइवर सनवाइजर विद मिरर, फोर स्पीकर्स, एफएम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स यूएसबी के पोर्ट आपको स्विफ्ट के वीएक्सआई वेरिएंट में भी मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, लेकिन टच स्क्रीन कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी, दोनों को आपको बटन से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई टाटा पंच में काफी छोटी डिस्प्ले दी गई है, देखने में गद्दी लगती है, लेकिन आप प्राइस के हिसाब से ठीक ही है। लेकिन जो आपको स्विफ्ट में मिलती है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको ओवर रखेंगे तो एक बार को टच स्क्रीन जैसी भी लगेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की, बाहर देखते हैं दोनों गाड़ियों में क्या क्या चीजें मिलती है। अगर आप टाटा पंच का प्योर रिथम खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडलाइट्स मिलेंगी हेलोजन में, फ्रंट में वही आपको मिनी टाटा सफारी वाला डिजाइन मिलेगा। बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो पंच में आपको 15 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही आपको ORVM पर इंडिकेटर मिलेगा। तो भाई ये तो सेकंड वेरिएंट है, यहाँ भी आपको ORVM पर ही इंडिकेटर मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये रहेगा, डोर हैंडल्स और ORVM दोनों ही आपके ब्लैक रहेंगे। आप चाहें तो इन्हें आफ्टर मार्केट बॉडी कलर में करा सकते हैं, लेकिन कंपनी से आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। और अगर बात कीजिए गाड़ी की टेल लाइट की, तो टेल लाइट भी आपको टाटा पंच के प्योर और प्योर रिथम की हेलोजन में मिलने वाली है, और डिफोगर वाइपर वाशर जैसा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब बात कर लेते हैं मारुति स्विफ्ट के VXI के एक्सटीरियर की, तो यहाँ पे भी आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट मिलेगी, एडजस्टेबल फोग लाइट यहाँ पर भी नहीं दी गई है, और ब्लैक ग्रिल के साथ साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाएगी हल्की सी। बात की जाए गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, पंच में आपको 15 इंच के मिलते हैं। बात की जाए गाड़ी के ORVM की, तो ये आपको बॉडी कलर में मिलेगा, और इंडिकेटर भी आपको ORVM पर ही मिलेगा, फेंडर पर नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट की तरह। और यहाँ पे आपके ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल रहेंगे, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल आपको इससे अपर वाले वेरिएंट में मिल जाएंगे। बात कीजिए गाड़ी के रियर की, तो रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, उसके साथ साथ गाड़ी में आपको रियर में जो टेल लाइट मिलती है वो LED में मिलेंगी, नाइट में काफी अच्छी सेफ लगती है, टाटा पंच से काफी बेहतर आपको मारुति स्विफ्ट की टेल लाइट्स लगेंगी। तो भाई अब बात कर लें तो दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप टाटा पंच प्योर रिथम खरीदते हैं तो ये लगभग आपको 740 से 750 की पड़ेगी ऑन रोड, और इधर आपकी VXI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 790 से 8 लाख रुपए तक की पड़ेगी ऑन रोड। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं चाहिए और बिल्ड क्वालिटी का कोई इशू नहीं है और माइलेज भी बेहतर चाहिए तो स्विफ्ट यहाँ पर बिल्कुल बेहतर है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो बिल्कुल टाटा पंच की ओर जाना चाहिए, फिर मारुति स्विफ्ट और इस गाड़ी के फीचर्स को भूल ही जाओ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऑटोएक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं आप दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं। भाई मेरे पास अगर इतने पैसे होंगे, मतलब इतना मेरा बजट होगा, तो मैं बिल्कुल टाटा पंच पे ही जाऊंगा, क्योंकि उस गाड़ी में बैठने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई हम सेफ है। मारुति स्विफ्ट में वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, और जब ड्राइव में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फीचर्स का ही क्या करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं।